हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवेज क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, सीबीएसई 10th और 12th का एग्ज़ाम जो डेट है वो अपडेट कर दिया गया है। 2020 का ओनली एग्ज़ाम फॉर 29 सब्जेक्ट्स टू बी कंडक्टेड बाय सीबीएसई। देखिए फ्रेंड्स, जो रेस्ट कैंसिल किए गए थे उसका जो लिस्ट है आ चुका है। अगर आपको डाउनलोड करना है फ्रेंड्स, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जरूर जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, मैं बात करने वाला हूं फ्रेंड्स, सीबीएसई ने रिलीज किया इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग सीबीएसई क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम 2020 विच वेयर पोस्टपोन, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। द बोर्ड वुड बी कंडक्टिंग एग्जाम फॉर ओनली 29 सब्जेक्ट्स, रेस्ट हैव बीन कैंसल्ड, चेक लिस्ट हियर। तो आपको लिस्ट कहाँ से चेक करना है फ्रेंड्स, सेंट्रल बोर्ड ने जो है सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा ये जारी किया गया है कि 1 अप्रैल को जो है ना सर्कुलर डेट को सीबीएसई ने सर्कुलर डेट को लॉन्च किया है या अपडेट किया है। द बोर्ड ने अनाउंस किया है इट वुड बी कंडक्टिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली फॉर 29 सब्जेक्ट। याद रहे फ्रेंड्स, 29 सब्जेक्ट के लिए जो है आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड बिलो, तो जो एचआरडी मिनिस्टर ने ये बताया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को, जो एग्जाम है 10th और 12th का एग्जामिनेशन 29 सब्जेक्ट का होने वाला है। तो नॉन एसेंशियल पेपर्स हुज मार्क्स आर नॉट काउंटेड फॉर एडमिशंस टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वुड नॉट बी कंडक्टेड दिस ईयर एज पर द नोटिस। बताया गया है फ्रेंड्स, वो आपको नोटिस के अकॉर्डिंग ये नहीं मान्यता दी जाएगी कि जो कि इसके अलावा 10th और 12th के अलावा जो बच्चे हैं उनको बताया जा रहा है कि प्रमोट कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, ओनली द मेन एग्जामिनेशन लाइक बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश, फिजिक्स एक्सेट्रा फॉर स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वुड बी कंडक्टेड। द डेटा शीट ऑफ द रिवाइज डेटा पोस्टपोन्ड एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज लेटर। ठीक है, नीचे आइएगा, आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जो कि आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, चेक द कंप्लीट सीबीएसई सर्कुलर हियर। मैंने इसको डाउनलोड कर रखा हूँ, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि इसको कैसे दिखेगा। देखिए, सीबीएसई का जो कंप्लीट प्रेस रिलीज द्वारा बताया गया है, देखिए, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर एंड इन कंप्लायंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड 18 मार्च 2020। ठीक है, जो नई डेट अनाउंस की गई है इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जो बोर्ड है ये बताने वाला है, देखिए, कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैं बता देता हूँ आपको ये कहाँ से इसको आपको डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, प्रेस रिलीज हुआ, बताया गया फ्रेंड्स, द बोर्ड को कमिटेड द एकेडमिक वेलफेयर ऑफ इट्स स्टूडेंट्स, देयरफॉर द बोर्ड इज कंस्टेंटली असेसिंग द सिचुएशन। बोर्ड खुद ये सिचुएशन से जूझ रहा है। आपको मैं बताने वाला हूँ, लॉकडाउन है, 21 दिन का लॉकडाउन आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारे चैनलों में मैंने अभी जस्ट मैंने देखा कि ये वीडियो को ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार, बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए, जितना हो सके उनको सर्कुलर के लिए उनको प्रोवाइड करिए। देखिए, जितनी आप मान्यता प्रोवाइड करोगे, जितना आप उनको अपने बारे में सोच प्रोवाइड करोगे, उतना आपके चैनल को भी वो जानेंगे। ठीक है, तो याद रहे फ्रेंड्स, कभी भी मिस इंटरफेस मत करिए, मिस बिहेव मत करिए बच्चों के साथ। ठीक है, देखिए, बताया गया है फ्रेंड्स, फॉर क्लास 1 to 8 यहाँ पर बताया गया है फ्रेंड्स, इनको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट और नेक्स्ट क्लास और ग्रेड में। ये कंप्लीट प्रेस रिलीज है फ्रेंड्स आज की, यहाँ पर आप देख सकते हो 1/4/2020 की कंप्लीट प्रेस रिलीज है। फॉर क्लास 9 और 11 को भी यहाँ पर जो बताया गया है फ्रेंड, इनको भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट क्लास या ग्रेड में। तो याद रखें फ्रेंड्स, आपको कोई भी मैं बहकाने वाला न्यूज़ नहीं दिखा रहा हूँ, पूरा डिटेल में न्यूज़ दिखा रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर बताया जा रहा है फ्रेंड्स, जो क्लियर द इंटरनल प्रोसेस इन एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, द स्कूल में यूटिलाइज दिस पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग रिमेडियल इंटरवेंशंस एंड स्कूल मे गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ अपियरिंग इन स्कूल बेस्ड टेस्ट एंड ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के साथ माध्यम से मैं देने वाला हूँ। शेड्यूल्ड जो है क्लास 10 और 12 का विथ रिगार्ड टू रीशेड्यूलिंग बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th और 12th इज इन्फॉर्म, जो स्टेज इज डिफिकल्ट फॉर द बोर्ड टू डिसाइड एंड अनाउंस द न्यू शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन। हाउएवर, इट इज इन्फॉर्म दैट एनी डिसीजन दैट द बोर्ड विल टेक विल रिगार्ड विथ रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी टेकन बाय अंडरटेकिंग एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद हायर एजुकेशन अथॉरिटी एंड बाय keeping all subject aspects related to the entrance examination admission dates and etc in mind in this contest. It is further informed that the board will give notice of about 10 days of all stakeholders before starting the board examination. Yaad rahe friends, ye board examination na, ye board ka exam karwayega ya nahi karwayega, ye stakeholder dwara puche gaye baaton se ye batayega ki aapka exam hoga ya nahi hoga।
अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है 10th और 12th के एग्जाम में, तो आप प्रे करिए जो लॉकडाउन है ठीक ठाक चलता रहे, ताकि आप जो है ना 10th 12th के भी एग्जाम में पास आउट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये देखिए बताया जा रहा है, बोर्ड ये यहाँ पर जज करेगा, बोर्ड के जो जो है ना कर्मचारी जो जज करेंगे, उसके बाद ही आपको बताया जाएगा कि 10 दिन के बाद की आपका एग्जाम होने वाला भी है या नहीं। देखिए, सब्जेक्ट द बोर्ड एग्जामिनेशन इन्फॉर्म दैट द बोर्ड वाज नॉट एबल टू कंडक्ट एग्जामिनेशन 8 एग्जामिनेशन डेज ड्यू टू कोविड 19 पेंडेमिक सिचुएशन। ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि कोविड 19 पेंडेमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये आपके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट में है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम। तो आपको प्रीवी जितने भी हैं फ्रेंड्स, मैं वीडियो बनाता हूँ आपके भले के लिए बनाता हूँ, जितना कोशिश कर रहा हूँ आपके भले के लिए करता हूँ, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ भले के लिए देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को देख रहे हो या चैनल से ज्वाइन हो रहे हो, ठीक है। Considering the extraordinary circumstances, the board has been forced to review its policy in this regard. Under ordinary circumstances, the board would not have hesitated to conduct all examinations that could be not be 8 March 2020 or are the postponed for the reason. आपको बताया जा रहा है वो खुद जो है ना बोर्ड ये संभवतः नहीं हो पा रही है, जो कि 18 मार्च 2020 के जो एग्जाम को पोस्टपोन किया गया कुछ रीजन के वजह से, वो जो रीजन है मैंने आपको बता दिया। आप देखते हैं फ्रेंड जो है यहाँ पर, देखिए सेंट्रल बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा ये जारी की गई है 29 सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम होने वाले हैं, ये कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, इसका पीडीएफ लिंक नहीं तो आपको पूरे वीडियो का लिंक, आपको मैं वीडियो का लिंक नहीं तो आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप वेबसाइट के थ्रू आप पूरा न्यूज़ भी पढ़ सकते हो। किसका न्यूज़ है? टाइम्स नाउ का न्यूज़ है। ये बहुत बड़े चैनल है, बहुत बड़ा इनका प्लेटफॉर्म है, और ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और आपको एंड तक आपको देखने के बाद आपको इतने मन में डाउट नहीं रहने वाले कि सर ने जो बताया वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हिंदी कोर्स भी ही, इंग्लिश कॉमर्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, और लिटरेचर के लिए साइंस, सोशल साइंस, बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी, हिंदी एक इलेक्टिव हिंदी कोर, होम साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ओल्ड इंग्लिश इलेक्टिव एंड इंग्लिश इलेक्टिव सी, इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो सीबीएसई स्कूल इन फॉरेन कंट्रीज के बारे में इसमें बताया गया है, 25 कंट्रीज में भी सीबीएसई के जो है लॉकडाउन चल रहे हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हो क्लास 10 और 12 का जो लोकेटेड आउटसाइड इन इंडिया वो भी प्रॉब्लम में है, सिचुएशंस में है। इवेल्यूशन वर्क में देखिए, ड्यू टू प्रेजेंट सिचुएशन द बोर्ड हैज नॉट बीन एबल टू कंटिन्यू द इवेल्यूशन वर्क, द बोर्ड विल कम आउट विद फर्दर इंस्ट्रक्शंस फॉर इवेल्युएटिंग इन द चेंज सर्कमस्टेंसेस दिस इंस्ट्रक्शंस एंड डेट्स फॉर, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अवॉइड रूमर्स, रूमर्स से आप बचिए, जितने भी आप YouTube में देख रहे हो वीडियो उनसे बचिए, और आपको जो फ्री के वीडियो नहीं बता रहे हैं, जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, उनसे आप बचिए, और जितने भी अच्छे वीडियो मिल रहे हैं यार प्लीज़ एक बार इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए भाई लोग, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर इतना करिए, ताकि जितने देखिए ये सेक्रेटरी द्वारा बताया गया है, अनुराग त्रिपाठी जो कि सेक्रेटरी हैं CBSE द्वारा, इनके द्वारा ये PDF लॉन्च की गई है, ठीक है। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आपको वेबसाइट लिंक दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर बनता है, और चैनल को यार सब्सक्राइब तो करिए जरूर, जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उतना आपको बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।